So guys, I'm quite excited. I'm making a apple strudel, but in a slightly different way. Rather than using the regular strudel pastry, I'm using bread and adding a little marshmallow to it. My daughter loves it, and I'm at home. I'm cooking for my kids only, so थोड़ा बहुत जो भी पड़ा है उसी से झोल झाल करके कुछ टेस्टी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो लेट्स सी कैसा बनता है. मिक्सचर शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बटर. हमें इसको मेल्ट करेंगे. मेरा बटर मेल्ट हो गया है. तो अब इस बटर के अंदर मैंने डाल दिए हैं अपने एप्पल. एप्पल को हल्का सा ग्लेज आ गया. उसके बाद हम इस पे डालेंगे अपनी चीनी. फ्लेवर्स आपको जो चाहिए आप डाल सकते हैं. आपको ऑरेंज का जेस्ट डालना है, थोड़ा सा खटास देना है, ऑरेंज का जेस्ट भी डाल सकते हैं. आपको मीठा ज्यादा करना है, मीठा कम करना है. बच्चों को किशमिश पसंद नहीं, मैं किशमिश डाल रहा हूँ. किशमिश में डालिए, नट्स डालिए, वॉलनट डालिए. एप्पल नहीं है, केले से बना लीजिए. सो आप अपने हिसाब से उसको जो चाहे कर सकते हैं. चलिए अब हम डाल देते हैं अपनी चीनी. चीनी हम शुरुआत में ही डाल रहे हैं, ज्यादा पकने नहीं दे रहे, क्योंकि हम चाहते हैं चीनी में थोड़ा सा कैरमल फ्लेवर आ जाए. सो चीनी डालते ही अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी ये कैरमल होनी शुरू हो गई है. अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा कैरमल होना शुरू हो गया. तो हम इसको पड़े रहने दे रहे हैं, अभी जहां जहां पे है जो जो है वैसे ही. और जैसा आपको बताया था, थोड़ा सा सिनेमन का, मैं पर्सनली शौकीन हूं कि सिनेमन का. सो मैं थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और डाल रहा हूं. जो अरोमा आता है कैरमल शुगर, डेडली कॉम्बिनेशन. ये हो गया हमारा मिक्सचर लिटरली रेडी. 2 मिनट का मिक्सचर है बस. अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं अपने नट्स. आज की एक बाइट आ रही है. फ्रूट थोड़े से सॉफ्ट है. मार्शमेलो उसको एक खिंचाव देगा, जब आप खाएंगे तो उसके अंदर एक खिंचाव आएगा. पर अगर मैं गरम गरम में मिला दूंगा तो मार्शमेलो मेल्ट हो जाएंगे पहले ही. एक प्लेट में डाल के फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए. प्लेट मेरी रेडी है. ये हमारी प्लेट रेडी है. ये हमने ठंडा कर लिया है. ये जो कैरमल है, इस कैरमल को निकाल के इसके ऊपर ही डाल देते हैं. तो ये हम डाल देते हैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में. बना लेते हैं इसकी एक सॉस. इसके अंदर फ्लेवर तो है ही, सिनेमन और ये सब का अगर साथ में आ गया तो हम इसी के साथ खा रहे हैं. तो हम इसमें दूध डाल लेते हैं. इसके साथ हम दे रहे हैं कस्टर्ड सॉस. सो ये हमारा कस्टर्ड है जो हमने घोल के रखा हुआ है. अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या एरारोट कुछ भी घोल के हल्का सा टैपियोका फ्लावर डाल दीजिए और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दीजिए और इसको बस गाढ़ा होने दीजिए. ध्यान रखिएगा, पहले बड़ा ही धोखेबाज चीज होती है कॉर्नफ्लावर. ये लगता है पतला है पतला है और हम डालते रहते हैं और बाद में जब ये पकता है तो पकता है बहुत ही गाढ़ा हो गया. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें. उबलने दें, गाढ़ा होना शुरू हो गया है. 100% और नहीं है, शायद दूध ही और जाएगा इसके अंदर. ये तो नहीं जाता. और जब भी कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं तो इसको हिलाना बहुत जरूरी है नॉन स्टॉप. चीनी तो डाली नहीं. अगर सॉस है, डेजर्ट है, तो मिठास तो होनी चाहिए. ये हमारी
चीनी भी चली गई है, जितनी डालनी है आपकी मर्जी, ज्यादा मीठा कम मीठा पूरी तरह आपकी मर्जी पे। सो ये हमारी सॉस हो गई है रेडी। ब्रेड को सोक करेंगे हल्का सा पानी में। ये आइडिया मुझे आया था जब मैं छोटा था, मतलब व्हेन आई वाज अ किड, मदर बनाती थी ब्रेड रोल के नाम से, उसके अंदर आलू का मिक्सचर भरती थी। आई एम श्योर आप लोगों ने भी खाया होगा। सो ये उसी से आइडिया आया हुआ है मेरे को कि ये भी किया जा सकता हो। अब हम इसके बीच में बनाते हैं, तो पहले इसको थोड़ा सा दबा लेते हैं, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है इसको निकाल देते हैं। ये हमारा ब्रेड है, इसके बीच में डाला हमने अपना मिक्सचर। मिक्सचर कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना कि आप इसको पूरा कवर कर ले। दूसरी ब्रेड पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, पानी जितना निकाल सकते निकाल लीजिएगा। ये मिक्सचर इसको हमने चारों तरफ से कर लिया सील। ये हमारा चारों तरफ से हो गया है सील। तेल को करते हैं गरम। तेल पहले थोड़ा सा वार्म करके रखा हुआ था, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये हमारा तेल गरम हो रहा है, धीरे से डालते हैं। एक्सलेंट। ये हमारा स्ट्रूडल बॉल तैयार है और ये एकदम करारी क्रिस्प निकली है। इसको गैस बंद कर दी, इसको रख देते हैं पीछे। तो ये निकला है हमारा एकदम करारा क्रिस्पी स्ट्रूडल। अब इसको फिनिश करना है, तो फिनिश करने के लिए हम सबसे पहले बेस में डालेंगे सॉस। डाल दी सॉस, सॉस के ऊपर डालते हैं करारा स्ट्रूडल। स्ट्रूडल को फिनिश करेंगे आइसिंग शुगर से थोड़ा सा, इसके ऊपर आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर देते हैं। हल्का सा स्नोई फील आ जाएगा, थोड़ा सा मिठास भी आ जाएगा, और इसके ऊपर थोड़े से ये जो नट्स का मिक्सचर था ये भी डाल देते हैं थोड़ा सा साइड में। और ये हमारा होममेड झटका स्ट्रूडल रेडी है। तो ट्राई करें, मैं करूं आप करेंगे? चलो मैं ही कर लेता हूं अनफॉर्चुनेटली। अंदर से भी दिखाते हैं, तो ये है इसके अंदर से ऐसा आ गया है, राइट। अब हमारी बारी है खाने की। तो क्या कहते हैं, कैसा आया होगा? फ्लेवर्स, एप्पल, कैरमल, नट्स, मार्शमेलोज, कस्टर्ड, मीठा, सिनेमन,
मतलब बचा गया जो अच्छा नहीं होता बच्चों को खुश करने की. सो प्लीज ट्राई, प्लीज गिव योर फीडबैक, लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम श्योर यू लव इट बिकॉज इसके जो टेक्सचर्स हैं, टेस्ट है, फ्लेवर्स है, मे बी ये स्ट्रूडल नहीं है, हमने इसको स्ट्रूडल का नाम दिया है. कई लोग बहस कर सकते हैं हमसे ये स्ट्रूडल नहीं है, जो भी है ये स्ट्रूडल है नहीं है, पर टेस्ट एक नंबर है. सो ट्राई, साइनिंग ऑफ, एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय द टेस्ट ऑफ डिशेस लाइक दिस एंड शेयर योर डिशेस.